सुभि जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाँ भोजपुरी सिनेमा के जितने अभिनेता हैं वो सब राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं। जी दो दो सांसद हम लोग के भोजपुरी सिनेमा के, रवि किशन भैया, मनोज तिवारी भैया जी हैं, दिनेश भैया भी पूरी रूप से राजनीति में सक्रिय हैं। तो क्या नायिकाओं में भी, भोजपुरी नायिकाएं भी राजनीति में आएंगी? सुभि शर्मा भी आगे चल के राजनीति में आ सकती हैं? देखिए, आगे का तो किसी को कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आज का ही, क्योंकि हम लोग को अभी का ही पता नहीं कि कल क्या होगा, इस क्षण के बाद क्या होगा, हमको वही चीज पता नहीं है। तो आगे से ये अभी से कहना कि मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, वो चीज उचित नहीं है। बाकी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो हमारे इंडस्ट्री के हीरो हैं वो लोग आगे पहुंच रहे हैं, अभी अभी नेता से नेता बन रहे हैं, हम लोग उनके साथ में हैं। और इन फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकती अभी। आपका आपका परसेप्शन परसेप्शन क्या है राजनीति को लेके? अगर मौका मिला तो आप राजनीति में आ सकती हैं, ये पूछना है मेरा। बिल्कुल आ सकते हैं, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं सुभि जी, आप भोजपुरी सिनेमा की, मतलब इतने सालों से सक्रिय हैं भोजपुरी फिल्मों में, है। आपको क्या लगता है भोजपुरी सिनेमा को सरकार को क्या मदद देना चाहिए? आप इस मंच के माध्यम से सरकार से क्या बोलना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा के बारे में? देखिए, अभी इस टाइम के लिए तो ये है कि अभी तो सब जो हिंदी के आर्टिस्ट हैं, टीवी के आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी हो कि उनको इस लॉकडाउन के अंदर जो लोग अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं रेंट को लेके इशू, औरों को, चलो हम लोग तो सक्षम आर्टिस्ट हैं, बट फिर भी जो और है उनको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए करनी। एज ए आर्टिस्ट जो कला मंत्रालय हमारा है, उन लोगों को, आर्टिस्टों को कुछ हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए कि वो लोग कैसे, मतलब अपना आगे के लिए सरवाइव हुए, उनकी शूटिंग और अच्छे से कैसे इजीली शूट हो पाए, तो वो सब उनको सोचना चाहिए। और जो भाषा है हमारी भोजपुरी, उसको 8वीं सूची में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक मुद्दा है जो अभी तक ये नहीं हो पाया है। रवि जी ने भी बोला था संसद में, फिर भी अभी तक भी, मतलब मनोज जी भी कोशिश कर रहे हैं, इवन मतलब जितने भी बिहार के हैं लोग, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बट ये अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो ये भी होना चाहिए और आर्टिस्टों के लिए सोचना चाहिए, बिल्कुल मेरा सर। मानना ये है। सुभि जी, ये जो सीरियस सवालों का जो दौर था, जो मुद्दे वाले सवाल थे आपको बहुत लेके, मुद्दे आपके वाले सहयोग सवाल लेके, पूछ लिया हाँ, आपने मुझसे, बहुत मुद्दे उसका वाले हो दौर गए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, उसको लेके वो सेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। कुछ फनी सवाल है आपसे जो थोड़ा सा मजा आएगा आपको, कभी थैंक गॉड, हम मैं भी लोग थोड़ी फनी रिलैक्स हो सवाल करें जाऊंगी। आपसे? यस बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। सुभि जी, ये आपको लास्ट आपको मैं जो पूछूंगा उसमें लास्ट बताना है कि अंतिम बार आपने ये काम कब किया, समझ बोलिए गए ना? बोलिए, लास्ट समझ सुभि गई। जी, लास्ट बार लाइन में आप कब खड़ी हुई थी? यार लाइन में कब खड़ी हुई थी, ये तो बहुत पब्लिक गंभीर लाइन नहीं होता सा। है, पब्लिक पब्लिक हाँ लाइन नहीं यार, होता है, कभी बैंक में लाइन में, कभी कोई सामान खरीदने के लाइन में, लास्ट वाले याद कीजिए कब आप लाइन में खड़ी हुई थी। हाँ यस, मॉल में, शॉपिंग शॉपिंग मॉल में, मैं कहाँ पे थी, फॉरएवर में थी, मैंने वहां से कुछ शॉपिंग किया था, और मैंने दुबई में थी मैं, तो वहां पे मैं क्यू के अंदर हुई थी खड़ी, बिल्कुल। मेरे हाथ में बहुत सारे कपड़े थे और मुझे उनका बिलिंग करना था, तो मैं अभी इसी वाली पिक्चर में जो जस्ट अभी जैन में थी, तब मैं लाइन में खड़ी हुई थी। कौन तब सी आगे फिल्म? और भी बहुत, सैया अरब गईले ना, जो अभी मैं दुबई में शूट करके आई हूँ, आपको तो पता ही है। तो अब मैंने शॉपिंग बिल्कुल, किया था दुबई से, तो मैं क्यू में खड़ी हुई थी, और फिर मैंने वेट भी किया था 10 10 मिनट तक, मेरी बारी का। सुभि जी, लास्ट बार आपने प्यार से किसी की पिटाई की थी? किसकी? हाँ अभी की थी, हाल ही में की थी, अपने भाई की। नहीं मान रहा था मेरी लास्ट, बात। ओके, लास्ट बार अपने पुराने एक्स, पुराने बॉयफ्रेंड से कब बात हुई थी आपकी? एक्स भी बना ही नहीं था यार, वो वाला 20 साल पहले। लास्ट सच सच बताइए कि लास्ट बार आपकी एक्स से कोई बात नहीं होती? अब जो एक्स हो गया वो एक्स हो गया ना, फिर बात क्या करनी। लास्ट बार सुभि जी, किसी हीरो की फोटो फोन पर देखकर किस लेने का मन किया था आपको? हाँ, अभी जस्ट मेरे हाल ही के अंदर हुआ था मेरा मन, मैं किसको देख के भाई? किसको नहीं, उनकी फोटो को पास में रखे मैं बहुत रोई थी, और वो फोटो थी सुशांत जी की, तो किस लेने का मन नहीं, बट उनको देख के मुझे बहुत रोना आया था, मैं बहुत देर तक रोई थी, तो किसका तो मन मेरा नहीं आम्रपाली हुआ। अब जी, ओके, मैं आम्रपाली पहले जी जी क्या लिख रही लिख है, रही है। छोटे भाइयों को तो पीटना ही चाहिए।
हाँ वो इसी इसी लायक अमरपाल होता जी है भी एक्चुअली लगता है वो, अपने अमरपाल जी भी लगता है अपने भाइयों को काफी पीटती है। बात नहीं मानते हैं यार वो लोग, सुनते ही नहीं है। तो फिर उसने भाई बस कि सुनो नवाना टाक, प्यार वाला मारा था, तेज वाला नहीं। लास्ट बार दोस्तयाल ने कब बोला था कि बॉयफ्रेंड से बात करनी है तो दूसरे लिंग में चल जा, हमें सोने दे, या बहनों ने आपकी? क्या बहनों ने ऐसा कभी हुआ था क्या कि आप अपने कभी नहीं बॉयफ्रेंड से बोला, बात कर लें? लास्ट कभी हुआ ही नहीं। बॉयफ्रेंड होता तब तो लास्ट होता ना। बार आपके लास्ट बार आपके घर वालों ने कब कहा था कि बेटी शादी की उम्र हो गई है, किसी हीरो से ही कर लो, लेकिन कर लो, जल्दी कर लो यार। भगवान करे बोल दे यार, जल्दी से बोल दे। बट एक्चुअली मेरी दो बहनें, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। पहले मेरी दोनों बहनों की शादी होगी, फिर आएगा मेरा नंबर, कब आएगा? तो मैं चाह रही हूँ ये तो मम्मी शब्द ना मेरे घर वाले जल्दी बोले मुझे, बट नहीं बोलते हैं यार। वाह, तो अगर सुफी शर्मा के घर वाले ये देख रहे हैं तो ये बेचैन है शादी करने को, इनका दीदी नंबर देख रही जल्दी है, ले आइए, आप लोग शादी दीदी करें। बहन प्लीज, रूपा दी मम्मी को बताना मत कि मैंने ये सब चीजें बोली है, प्लीज बिल्कुल मत बताना। सहरा अफ्साह जी लिख रही है कि बॉयफ्रेंड वाले सवाल ही क्यों। अरे भाई, तो बॉयफ्रेंड वाले सवाल सिर्फ वो लास्ट टाइम वाला है ना सहरा निशान जी जी, आप क्या इसलिए चाहते पूछ हो, रहा आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो? हाँ मैं भी सिंगल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हूँ। और भाई सब लोग मैं सुन समझ रहे हैं। गया, मैं तो वो लास्ट सवाल बार बार पूछ रहा था ना, लास्ट करने के लिए, वो फनी क्वेश्चन का सीरीज होता है ना उसमें। अच्छा ओके हाँ लास्ट टाइम होटल या कहीं पार्टी करते टाइम ये झूठ कब बोला था कि मेरा पर्स घर में रह गया है, बोला था आपने? झूठ नहीं था, सच था वो। मैं आ गई थी और पर्स था मेरे साथ में, बट मैं पर्स जो उठा के आई थी वो स्टाइलिश वाला था, उसमें पैसा कुछ भी नहीं था। जो असली वाला पर्स था वो घर पे था, और जो सिर्फ शो वाला होता है ना पर्स की, हाँ चलो ये मैचिंग का हो रहा है साड़ी के साथ में सूट के साथ में, तो वो जो खाली वाला पर्स था वो था मेरे हाथ में। तब मुझे बाद में ध्यान आया कि यार इसमें तो कुछ रखा ही नहीं मैंने, तो ये मेरे साथ हुआ था। और ऐसा एक बार नहीं, दो तीन बार हो चुका सुफी जी, लास्ट 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 बार आपने किसी भोजपुरी किसी डायरेक्टर को ये कब बोला था कि सर आज मूड ठीक नहीं है, कल शूट करते हैं, ऐसा कभी हुआ था क्या? ऐसा कभी भी नहीं, कभी आज तक कभी भी नहीं हुआ है। जब मूड खराब हो अच्छा हो, बट शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए, वरना प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को नुकसान होता है। तो मूड कितना भी खराब होता था तब भी मैंने शूट किया है। और मेरे साथ ऐसा कुछ बार हुआ भी है कि मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार में भी बहुत बार शूट किया है मैंने, और यहाँ तक कि फ्रैक्चर में भी शूट किया है। और पूछना चाहेंगे आप? फ्रैक्चर में शूट किया है, कौन सी फिल्म पर? दुल्हन चाहिए पाकिस्तान 1, ओके, तब मुझे तो नहीं दोनों मालूम पैरों था। में, हाँ दोनों पैरों में मुझे इश्यू हुआ था तब। चोट भी उसी पिक्चर में आई थी मुझे, उसके बाद मैंने पूरी पिक्चर कंप्लीट की थी उस हालत में। सुबी जी, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भोजपुरी हाँ सिनेमा में किस हीरो को आप डेट करना चाहती हैं? किसी को भी नहीं करना चाहती, ये किसी को हमसे भी ना हो पाई, किसी नहीं किसी को भी नहीं करना चाहती। मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, बस डेट किसी के साथ नहीं करना चाहती। ये हमसे ना हो पाई, हमरा के माफ करी। ठीक है सुबी जी, तो ये हम लोग का इंटरव्यू सेशन था। अब और कुछ अगर अपने फैंस से आप बोलना चाहती हैं तो बोलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बताएं अपने फैंस को, या जो बिल्कुल लोग लाइव सेशन बिल्कुल। हमारा देख रहे हैं उनको। अमर पाली जी कुछ लिख रही है, क्या लिख रही है अमरपाल जी? अमरपाल जी का लगता है कमेंट ऊपर चला गया, मुझे दिख नहीं रहा है। आपको अगर दिख रहा है तो आप देखिए। मेरे भी ऊपर गया, मैं भी देख ही रही हूँ। मैं आपको कुछ बोलने वाली थी, मैं वो भी भूल गई हूँ। निशान जी हम पल जी बोलिए कमेंट बोलिए। दिखते हैं, ढूंढते हैं थोड़ा सा कहाँ पे उनका, ये काफी ऊपर चला फिल्म की गया क्या? डेट मिल जाए हीरो की वही बहुत है, तो लिखिए कि फिल्म की डेट मिल जाए वही बहुत है, डेट नहीं करना चाहती है। बहुत हाँ फनी, एकदम एकदम बहुत सही बढ़िया बात, अमरपाली जी। हाँ ये बात भी सही है। हाँ यार डेट मिल जाए, डेट नहीं करना चाहते। ठीक है ना, अच्छा है ना, सब लोग दोस्त हैं। देखिए अभी जो भी कुछ बातें हुई वो सब फनी थी, मजा आया बहुत। हम लोग सब दोस्त हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सभी लोग बहुत प्यारे हैं। जी मेरी जो दोस्तों में से जो है, अमरपाली जी, अक्षरा जी, काजल जी, अंजना जी, रानी जी, सभी लोग मेरे दोस्त हैं, गुंजन जी, एवरीवन। तो मुझे हाँ अच्छा एक चीज और भी, सब लोग कहते हैं जो मुझसे पूछते हैं, ये मैं अपने ये आपके चैट से मैं खुद ही ठीक है बोल देती हूँ औरों तक, कि शुभी जी आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी सब सब जी
हीरोइनों से पटती है या सब मतलब हीरोइनों से जमती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे कभी ऐसा होता ही नहीं है फील कि यार किसकी किससे नहीं पटती है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरी सब लोग दोस्त हैं, मुझे सबसे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है मेरी जब जब बात होती है सबसे। तो बिल्कुल, ये एक बहुत चीज है, अच्छा मैं आप फिल्म की देख लीजिए उसके बाद। अच्छा अभी मेरे सुबी पास जी। कमेंट है, रुको जी। हाँ काफी लोग लिख रहे हैं हम लोग के साथ। एक अमन वर्मा है 03055, वो लिख रहे हैं, पवन जी के साथ आप कब देखने को मिलेंगी पर्दे पर? जब पवन जी चाहेंगे तब आप लोगों को देखने के लिए जरूर जरूर मिल जाऊंगी मैं उनके साथ में। तो अभी देखते हैं वो कब बिल्कुल, चाहते हैं, कब कब उनके साथ यादव डेट मिलती है। यादव राजेश यादव राजेश लिख रहे हैं कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 कब आएगी। विशाल कुमार पासवान, हेलो हाय विशाल पासवान हेलो, जी। हाय। हाँ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे, ये भी है हाँ रोहित पांडे रोहित ऑफिशियल जी जी लिख रहे है। हैं, कैसी हैं सुभी जी। मैं बहुत अच्छी हूँ रोहित मंजित जी। मंजित मंजित कामत जी हैं, वो हाय बोल रहे हैं। रजनीश भैया हाय ने लिखा है, जो मंजिता डायरेक्टर जी। रजनीश जी हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई जला सबका कमेंट पढ़ लीजिए, लोग काफी उम्मीद के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ नहीं, एक ये बात सुजीत भी है। सुजीत सुजीत फॉल इंस्टा है, वो लिख रहे हैं हाय सुभी जी। जी जल्दी आलोक राज आऊंगी जी हैं, वो बॉलीवुड हाय में। लिख रहे हैं। हाय हाय सुजीत जी, जल्दी आऊंगी। प्रकाश विशाल यादव जी हैं, जी, वो हाय लिख रहे हैं आपको। हाय विशाल जी, एवरीवन हाय। और आप ऐसे बैक टू बैक देखते जाइए निशांत की बात।